हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल, आप सब कैसे हैं? और फ्रेंड्स, आज का मौसम काफ़ी अच्छा लग रहा है। आज थोड़ा सा चेंज लग रहा है मौसम, मतलब कि जैसे हमेशा का मौसम होता है, जैसे गर्मी गर्मी हो जाती है, सुबह थोड़ी सी देर तो अच्छा मौसम रहता है, उसके बाद फिर गर्मी हो जाती है, बट आज का नहीं है। आज थोड़ा सा सही लग रहा है, मतलब डेली का कंपेयर अगर करें तो थोड़ा सा सही लग रहा है। अब कल अपलोड करने के लिए फ्रेंड्स, आज मैं एक वीडियो बनाऊंगी, मतलब आज पूरे दिन तैयारी करूंगी इस व्लॉग की, और फिर आज रात को ही कोशिश करूंगी कि एडिट भी कर दूं उसको, पूरा प्रिपेरेशन कर दूं उसकी, और फिर कल मॉर्निंग में सुबह सुबह उसको अपलोड भी कर दूं। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, व्लॉगिंग का काम, मतलब व्लॉग्स बनाने का काम वो बिल्कुल ईजी तो है नहीं, काफ़ी इसमें मेहनत लगती है और काफ़ी टाइम भी लगता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। पता नहीं मतलब भगवान कैसे सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, थैंक यू टू गॉड। मतलब काफ़ी काम पता नहीं किस तरह से मेरा घर, क्योंकि पहले तो घर का काम ही नहीं पूरा होता था, पूरे दिन बच्चों की स्टडी, काफ़ी काम होता है, आप समझ सकते हैं दो बच्चों के साथ। क्योंकि देखिए, बच्चों को स्टडी भी करानी है, और बच्चे आजकल के ऐसे हैं कि खाना उनको दे दो कि खाने को तो नहीं खाते, उनको अपने हाथ से खिलाना होता है, और भी कई सारे काम होते हैं बच्चों के साथ, काफ़ी सारे काम होते हैं, मैं गिना नहीं सकती, पर मतलब एक मदर को ही पता होता है कि कितना काम होता है बच्चों के साथ। और पहले पहले तो मेरे ये काम पूरे ही नहीं होते थे, मतलब ये काम में पूरे दिन लगी रहती थी, बट मतलब वो ये सब काम और घर के काम जो कुछ होते हैं, बट अब पता नहीं कैसे हो रहा है, भगवान ही सब करा रहे हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि थैंक्स टू गॉड कि अब सब काम मैनेज हो जा रहे हैं, घर का काम भी हो रहा है सही से, मतलब ब्लॉग्स भी बना रही हूँ। हाँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा तो लग रहा है टाइम, मतलब जो अपने ऊपर ध्यान देते थे उस सब टाइम को अब ब्लॉगिंग में लगा रहे हैं, क्योंकि नहीं है ईजी ये वर्क, काफ़ी टफ है, मतलब काफ़ी टफ भी बोलूँ कि काफ़ी मेहनत लगती है। और मैं ही जब ये बात बोल रही हूँ, मतलब मैं आईटी इंजीनियर हूँ, आईटी कंप्यूटर से मेरी पूरी पढ़ाई है, कंप्यूटर में आप एक तरह से कह सकते हैं कि एकदम से समझ आ जाती है मुझे जो कंप्यूटर की चीज़ है, तो फिर मतलब नॉर्मल लोगों के लिए तो काफ़ी और ज़्यादा टफ होगा। तो फिर देखिए, बस यही मैं आपको बताना चाहती थी कि मतलब देखिए, पहले तो व्लॉग को बनाना, उसके बाद उसमें जो एक्स्ट्रा पार्ट हो जाता है कई बार, उसको कट करना, ये सिर्फ जैसे मैं बोल रही हूँ वीडियो, इसको तो अपलोड करना बिल्कुल ईजी है क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा एडिटिंग की जरूरत नहीं होती है, थोड़ा बहुत तो हाँ करना पड़ता है, बट वो जो नॉर्मल ब्लॉग बनाते हैं उसमें से वॉइस कट करके नई वॉइस ऐड करना, म्यूजिक ऐड करना, और ग्राफिक्स ऐड करना, और भी कई सारे काम होते हैं, कहीं पे स्टिकर ऐड करना, और काफ़ी सारे, मतलब क्या बताऊँ, आप सबको पता ही है, खैर मैं भी क्या बताऊँ, आप सब लोगों को पता है कि काफ़ी इसमें वर्क, काफ़ी मेहनत होती है। और अब देखूंगी आज का, देखो कल के लिए आज के ब्लॉग की प्रिपेरेशन कर रही हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ एक बात, जब मैं ऑफिस में जॉब करती थी, मतलब हो गई है इस बात को 5 years, 5 to 6 जॉब, तो मैं खैर जब मेरा बड़ा बेटा हुआ था उसके एक साल बाद ही करने लगी थी, तो हो गए हैं 7 to 8 years इस बात को जब मैं जॉब करती थी पहले, तो फिर स्टार्टिंग में जब मैं जॉब करती थी तब, फिर जब मैं उधर लंच तो घर से ही बना के ले जाती थी, मेरे हस्बैंड भी जॉब करते थे, मैं भी जॉब करती थी, लंच तो घर से बना के ले जाती थी, पर जैसे कभी कभी लंच नहीं लेके गई, या कभी ऐसा हुआ कि बाहर का खाने का मन है, तो वहाँ जहाँ मैं जॉब करती थी आईटी कंपनी में ही करती थी, वहाँ पे बाहर एक शॉप थी, मतलब नीचे थोड़ा सा जाके, जैसे होती हैं ऑफिसेस के बाहर कभी लंच वगैरह करने के लिए, तो एक इस तरह से थी, और वो यही सब चीज़ें बनाते थे, जैसे राजमा चावल, कढ़ी चावल, और साथ में सैलेड देता था, तो वहाँ के जो राजमा मैं कभी खाती थी, इतने टेस्टी लगते थे वहाँ के राजमा, मतलब ऐसे लगते थे कि मेरे घर के राजमा में ये वाला टेस्ट क्यों नहीं है जो यहाँ के राजमे में, ऐसा क्या ऐड करते हैं वो ये इस राजमा में, मतलब जो इतना अच्छा टेस्ट आता है वो तो बिल्कुल जैसे लगता है कि परफेक्ट राजमा। तो फिर बाद में थोड़ा थोड़ा, मैंने उस टाइम खैर कुकिंग का इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था, बाद में थोड़ा थोड़ा करके सीखा, थोड़ा सा उनके भी मैंने देखा कि किस चीज़ की आती है, थोड़ा अपने फ्रेंड से पूछा, तो फिर अब थोड़ा सा लगता है कि वो वाला टेस्ट आता है मेरे राजमा में भी। देखिए राजमा भी, आज एक्चुअली मैं राजमा की ही आपके साथ रेसिपी ट्राई करने जा रही हूँ, और राजमा के भी कई टाइप्स होते हैं, जैसे देखिए चित्रा राजमा भी होता है, एक कश्मीरी राजमा भी होता है, और जो है जो कश्मीरी राजमा होता है उसमें भी एक छोटा वाला आता है, एक बड़ा वाला आता है। मैं तो शादी से पहले तो मेरी मम्मी शादी से पहले तो मेरी मम्मी जो है चित्रा राजमा ही बनाती थी, और जो चित्रा राजमा है वो थोड़ा जल्दी गल जाता है वो, और जो कश्मीरी वाला होता है वो छोटा वाला जो है वो, मतलब छोटा वाला तो शायद थोड़ी जल्दी गल जाता है, बट बड़ा वाला बहुत टाइम लेता है उसमें। तो मैंने पीछे गलती से राजमा लिख दिया सिर्फ स्लिप में कि राजमा मंगवाने अपने हस्बैंड से, और उनको इतना आइडिया नहीं कि कौन से लाने कौन से नहीं लाने, तो वो जो है वो वाले राजमा ले आए जो रेड वाले कश्मीरी होते हैं बड़े साइज़ वाले,
जो बड़े होते, तो फिर अब उस राजमा को तो मैं सीटी लगाते 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 थक गई। एक बार एक तो ये पता है आपको, देखो रात भर भिगा के रखना पड़ता है और उसके बाद सुबह सीटी देनी है, तो उसमें सीटी मैंने काफ़ी सारी लगाई, कम से कम 10 to 12। उसके बाद फिर जब मैंने खोल के देखा, मुझे लगा चलो अब तो राजमा हो गए होंगे, उबल गए होंगे। जब प्रेशर कुकर को खोला तब बिल्कुल राजमा हार्ड थे। उसके बाद फिर मैंने उसमें मतलब वो करने के बाद, तड़का लगाने के बाद जो सब कुछ करती है, प्याज लहसुन वगैरह वो पेस्ट वगैरह जो भी डालते हैं, टमाटो प्यूरी, उसके बाद मैंने दोबारा राजमा ऐड किया, उसके बाद फिर से उनको सीटी लगानी पड़ी और फिर से उनमें आई थिंक 7 to 8 सीटी लगी, और उसके बाद लगा कि हाँ आप थोड़े गल गए हैं। और उसके बाद बट टेस्ट काफ़ी था, काफ़ी अच्छे टेस्ट था, और बिल्कुल रेड राजमा बने थे, बहुत बहुत ही टेस्टी बने थे। चित्रा राजमा में इतना अच्छा कलर नहीं आता है, चित्रा में थोड़ा सा कम आता है कलर, क्योंकि चित्रा राजमा का थोड़ा सा अलग ही कलर होता है, बट ये है कि चित्रा थोड़ी आसानी से बन जाते हैं और टेस्ट उनमें भी कम नहीं होता। चित्रा राजमा कुछ लोग आलू मिला के भी बनाते हैं तो काफ़ी अच्छे होते हैं, और आप मेरी रेसिपी को ज़रूर देखिएगा। और फ्रेंड्स आज मैं वही रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, तो बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो फ्रेंड्स राजमा बनाने के लिए देखिए, मैंने राजमा उबाल के रखे हुए हैं। राजमा को मैंने रात भर भिगा के रखा था गर्म पानी में, और उसके बाद उन्हें सुबह उठ के उबाल दिया था उसी पानी में जो पानी रखा था। और यहाँ पे देखिए इंग्रेडिएंट्स रखे हैं, टमाटर रखा है और प्याज रखा है, मिर्च रखी, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन। टमाटर और प्याज आप एक्स्ट्रा भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो, वैसे राजमा में ज़्यादा से भी अच्छा टेस्ट आता है। देखिए अब मैंने ये मिक्सर में रख दिए हैं, मैं मिक्सर में भी मैं ही इनको ग्राइंड करती हूँ, और टमाटो मैं बाद में मिक्स करके मतलब ग्राइंड करके उसकी टमाटो प्यूरी बनाऊंगी। और यहाँ पे देखिए सरसों ऑयल गरम हो रहा है, सरसों ऑयल मैंने यूज़ किया है, और उसकी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं रखी है, नॉर्मल ही रखी है। ज़्यादा ऑयल मैं किसी भी वेजिटेबल सब्जी में यूज़ नहीं करती। और यहाँ पे देखिए ग्राइंड हो गया है पूरा जो मिक्सचर था। उसके बाद अब देखिए नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, यहाँ पे मैं मेथी दाना यूज़ करूँगी और जीरा यूज़ करूँगी और हींग यूज़ करूँगी। मेथी दाना और हींग का खास यूज़ है इसमें, मेथी दाना से बहुत अच्छी खुशबू आती है, शायद कम ही लोग जानते होंगे। जैसे कढ़ी में मेथी दाना का यूज़ होता है वैसे इसमें भी काफ़ी यूज़ है, और हींग का भी। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही तेल गर्म हो गया तो मैंने यहाँ पे जीरा डाल दिया, और जीरा जैसे ही आपका स्प्लेटर होने लगे, तड़कने लगे, तो इसमें हींग डाल दीजिएगा। इनको ज़्यादा काला मत कीजिएगा, नॉर्मल इनको ब्राउनिश कीजिएगा। जब ये अच्छे से पक जाएंगे तो बहुत ज़्यादा आप मेथी मत डालिएगा, और जब देखिए ये अच्छे से पक जाएंगे तब इसमें हम अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। देखिए अभी अच्छे से जैसे लग रहा है हमें पक चुके हैं, तो फिर अब देखिए हम इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो मैंने पेस्ट बना के रखा था वो पेस्ट मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और प्याज लहसुन अदरक और हरी मिर्च इन सबका मैंने पेस्ट बनाया था। अब इस स्टेप पे इस पर हींग डाल दूंगी और नमक भी डाल दूंगी। नमक डालने से और देगी मिर्च अगर आप साथ में डाल दोगे तो बहुत जल्दी पक जाता है मसाला, और बहुत ज़्यादा तेल की भी जरूरत नहीं पड़ती। अब देखिए कितना सा मैंने तेल डाला था, अब देखिए तेल इसका जो है वो बाहर आ चुका है। और देखिए यहाँ पर मैंने टमाटो ऐड कर दिया है, टमाटो मैंने एक डाला था, आप चाहे तो दो भी ऐड्स कर सकते हैं इसमें। और देखिए अब इसको मैंने अच्छे से जो है मिक्स कर दिया है, अच्छे से इसको पकाना है। उसके बाद मैं यहाँ पे सब्जी मसाला ऐड कर रही हूँ, और सब्जी मसाला और यहाँ देगी मिर्च भी ऐड कर दी है मैंने थोड़ी। सब्जी मसाला बहुत ज़्यादा नहीं डालते हैं, मतलब सब्जी मसाला बहुत पहले नहीं डालना चाहिए, वो तो थोड़ी बाद में ही डालना चाहिए। और जैसे टमाटो ऐड करो उसी टाइम आप डाल सकते हो, मतलब हल्दी नमक वगैरह के साथ नहीं। हल्दी मैं इसमें यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है हल्दी से कलर चला जाता है, और चित्रा राजमा के वैसे भी इतना अच्छा कलर आता नहीं है जितना कश्मीरी का आता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा वाटर ऐड कर दिया है ताकि ये जो है अच्छे से मिक्स हो जाए, और क्योंकि इसमें अब मैं राजमा ऐड करूँगी तो वाटर की जरूरत तो होती है। और उसके बाद देखिए अच्छे से उबल गया, तो अब मैं इसमें जो बॉयल्ड राजमा थे वो मैंने ऐड कर दिए। थोड़े और राजमा रखे हैं प्रेशर कुकर में, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और उसके बाद उनको अच्छे से पका लूँगी। आप सब लोग जानते होंगे, देखिए जो राजमा का पानी होता है रात भर भिगाने के बाद उसे फेंकना नहीं चाहिए, उसको सब्जी में डाल देना चाहिए, उससे अच्छा कलर आता है। यहाँ मैंने एक दो स्पून देसी घी भी डाल दिया है, और देसी घी से भी अच्छी खुशबू आती है, इसी टाइम आप ऐड कीजिएगा। उसके बाद इसको अच्छे से पका दीजिएगा, तो देसी घी अच्छे से ऐड हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, और देसी घी से काफ़ी अच्छा टेस्ट बढ़ जाता है इसका। और जो मैं आपको बता रही थी, जो राजमा का पानी है उसको आप फेंकिएगा मत, उसको साथ ही यूज़ कीजिएगा। और देखिए अब यहाँ पे अच्छे से पक रहा है ये, और अगर आपको जो राजमा है उसको रात को अच्छे से धो लीजिएगा, तब उसको गर्म पानी में भिगाइएगा ताकि बाद में उस पानी को फेंकने की जरूरत ना पड़े। अब इसको देखिए मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, और फिर मैं इसको अच्छे से पका लूँगी। काफ़ी अच्छा कलर आया है, देखिए कश्मीरी राजमा जितना तो नहीं पर फिर भी ठीक है। हल्दी मैंने क्योंकि इसमें नहीं डाली है, हल्दी से उसमें फिर पीलापन आने लगता है। बाकी सब आप चीज़ें डाल दीजिए। देखिए यहाँ पर मेरे राजमा रेडी है, और काफ़ी टेस्टी यम्मी और चटपटे बने थे, और देखिए कलर भी अच्छा खासा आया है, ऐसा नहीं है कि कलर नहीं है, और थोड़ा वही वाला टेस्ट आया जो मैं खाती थी ना शॉप में जब मैं जॉब करती थी, तो काफ़ी टेस्टी बने। आप भी खा लीजिए, आ जाइए। मेरी प्यारी बहनों, मेरे दोस्तों, आज मैं आपको एक हेल्थ टिप भी देना चाहूँगी। कई बार हेल्थ टिप स्किप हो जाती है, तो मैं कोशिश करती हूँ काफ़ी सारी हेल्थ टिप का एक अलग से ही वीडियो बना दूँ, और इस वीक भी बनाऊँगी, देखूँगी, ट्राई करूँगी। और देखिए मेरे प्यारे फ्रेंड्स, मेरी सिस्टर्स, आपको आज मैं ये हेल्थ टिप देना चाहूँगी कि आप देखिए दिन में जो है 10 से 12
ग्लासेस पूरे दिन में, मॉर्निंग से लेकर नाइट तक 10 से 12 ग्लासेस मिनिमम, इतना तो पानी जरूर पीजिए, क्योंकि पानी जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। और हमारे शरीर का 70% जो हिस्सा है वो भी पानी है, पानी से भरा हुआ है, तो पानी जो है बहुत ज़रूरी है। कई जगह पर काफ़ी यूज़ होता है पानी का शरीर में, बट पानी पीने का भी एक टाइम होता है, उसे उस टाइम के अकॉर्डिंग ही पीजिए। मतलब कि जैसे खाना खाने से 40 मिनट्स पहले नहीं पीना चाहिए, और खाना खाने के कुछ तुरंत बाद भी नहीं पीना चाहिए, ज़्यादा प्यास है तो हल्का हल्का पानी पीजिए, मतलब थोड़ा थोड़ा। और इस तरह से पानी का जो है टाइम वो आप देख लीजिए कि किस टाइम पीना चाहिए किस टाइम नहीं पीना चाहिए। जैसे फ्रूट खाने के बाद कहते हैं पानी नहीं पीना चाहिए, तो उस टाइम को फॉलो करते हुए आप पानी पीजिए, बट पानी की जो है वो क्वांटिटी रखिए, मतलब पीते रहिए पानी, जब आपको मौका लगे पी लीजिए पानी, सुबह हल्का गुनगुना पीजिए। और आजकल गर्मियाँ चल रही है तो बाकी नॉर्मल पानी पीजिए, फ्रिज का पानी तो इतना सजेस्ट नहीं करूँगी, बट नॉर्मल पानी पीजिए आप, और दिन में कई गिलास पी लीजिए, जैसे ही आपको मौका लगता है उसी टाइम पानी पी लीजिए। और इतना भी नहीं कि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा भी मत पीजिए पानी, जितना मैंने बताया आपको जितनी क्वांटिटी 10 to 12 ग्लासेस इतना तो होना ही चाहिए एक डे में, और इतना ही डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं कि इतना पानी आपको डेली पीना चाहिए। तो आप भी इसको फॉलो कीजिए और इससे आपको अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे और कई सारे हेल्थ इश्यूज इससे ठीक हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस यही था, आप बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी राजमा की। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, और अगर इसको शेयर कीजिएगा आप अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साइड में जो बेल वाला आइकन होता है उसको प्रेस कर दीजिएगा। सो बस आज मुझे यही बात करनी थी, स्टे एट होम, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, एंड अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, बच्चों का ध्यान रखिए। थैंक यू, बाय बाय।